तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ S24 की नए अपडेट के बारे में, जो कि अभी सितंबर में रिलीज कर दिया गया है। तो सितंबर का इसके अंदर अपडेट रिलीज कर दिया गया है। क्या ये अपडेट है, कितने एमबी का अपडेट है और क्या इसके अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ नए अपडेट के बारे में S24 के। उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट वाला ऑप्शन, यहाँ चले जाना है, देन डाउनलोड इंस्टॉल पर चले जाना है। तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट अवेलेबल मिल रहा होगा। यहाँ पर आप क्या लिखा हुआ है, दिस डिवाइस इज प्रोटेक्टेड विद इंप्रूव सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी को यहाँ पर इंप्रूव किया गया है, डिवाइस स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया गया है, बग फिक्सेस किए गए हैं और कुछ न्यू और एनहांस फीचर को एड ऑन किया गया है और फर्दर इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको दिखी गई है। ये सब चीजें यहाँ पर करी गई है और आप लर्न मोर पे जाएंगे तो उसके बारे में वो डिटेल आपको पता लग जाएगी, क्या है, कितने एमबी का अपडेट है, क्या क्या चीज है, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि 2024 आपको अपडेट किया गया है। सिंपल स्केचर इनटू ऑसम इमेजेस में आपको यहाँ पर क्रिएट यूनिक पोर्ट्रेट, लेट योर फोटोज डू विद राइटिंग वर्स, मतलब एआई की जो भी सारे फीचर है मनयूआई 6.1 के, सब आपको यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो इसका अपडेट को इन्फॉर्मेशन है वो मनयूआई 6.1 है। इसका अपडेट एंड्रॉइड वर्जन 14 है एंड देन इसका जो साइज है 288.35 MB का इस अपडेट है। साथ में यहाँ पर 1 सितंबर की सिक्योरिटी अपडेट दिया, साथ में यहाँ पर कोजन दिया गया है कि आप इसको पीछे अपग्रेड नहीं कर सकते और जब भी इसको अपडेट करें तो उसके बाद हो सकता है कुछ सेटिंग चेंज हो जाए और अपडेट इफेक्ट पर्सनल डाटा को भी इफेक्ट कर सकता है। तो आपको हमेशा बैकअप लेने के बाद ही उसको अपडेट कर लेना है। तो एक चीज और, जब भी अपडेट करो अपने मोबाइल की बैटरी को अबव 50% चार्ज करो, उसके बाद इसको अपडेट करना चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ अपडेट, फिर देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर अबाउट फोन में एंड देन यहाँ पर ले जा रहा हूँ मैं आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास मनयूआई 6.1 दिख रहा है, एंड्रॉइड 14 का वर्जन दिख रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल सितंबर का, मतलब इस महीने का ये अपडेट हो चुका है। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा वहाँ पर उस वेबसाइट पे, एंड्रॉइड की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो वहाँ पर आपको बता देगा कि इस अपडेट में क्या मेजर चेंजेस किए गए। यहाँ पर जाके आपको अपना साइट पे जाके सैमसंग का मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। तो सैमसंग का सेलेक्ट करते ही वो आपको बता देगा कि इस अपडेट में क्या मेजर चेंजेस किए गए। जैसे कि वहाँ बता रहा है डिवाइस के नाम, इस डिवाइस में अपडेट को रोल आउट किया गया है, इसमें क्या किया गया है, एंड्रॉइड को अपडेट किया गया है सितंबर का और कुछ एनहांस जो भी छोटे मोटे जो क्रिटिकल्स है उनको यहाँ पर उसको सोल्यूशन दिया गया है। ओवरऑल इसमें ऐसा ही इसका कहना है कि इसमें ऐसा कुछ किया गया है। तो यह तो कोई मतलब काम का होता नहीं है, तो फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करें इसकी अपडेट के बाद यूज की, अभी रिसेंटली मैंने आपके सामने अपडेट किया है तो थोड़ा सा इसको यूज करके देख लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल मैसेज मैंने यूज करा, अप डाउन करा, ये आप देख सकते हैं। ऐसे अगर मैं आया कॉन्टेक्ट पे तो कॉन्टेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे काम करते हुए आपको दिख रहे होंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है। और अगर मैं इकट्ठे सारे ऐप को खोल लूँ, बहुत सारी ऐप्स को, या मैंने खोल लिया कैमरा, या मैंने खोल लिया ये, या मैंने खोल लिया व्हाट्सअप, या मैंने खोल लिया प्ले स्टोर, या मैंने खोल लिया यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर, या मैंने यूट्यूब खोल लिया, यहाँ पर मैंने गूगल खोल लिया और यहाँ पर मैंने इसका जीमेल भी खोल लिया। अब इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पर खोल ली लगातार आपके सामने, ठीक है। अब इसको यूज करके देखें आपके सामने, मैंने इसको यहाँ पर खोल लिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका अपडेट, आप देख सकते हैं कि कैसा वर्किंग कर रहा है ये, यह आपको यहाँ पर कैसा वर्किंग करता हुआ आपको दिख रहा है। ये वर्किंग में ऐसा कोई इशू नहीं है, मस्त यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। और यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे तो सेटिंग्स पे जाने के बाद भी आप इसको चला के देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई इशू नहीं आ रहा, फट से यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर आप किसी ऐप को क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज होने पर भी वो ज़्यादा, जैसे किसी भी ऐप को अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं आ रहा। जैसे आप देख सकते हैं हम यूँ कर रहे हैं तो फट से यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, कोई इफेक्ट्स में भी यहाँ पर इशू नहीं दे रहा है। और अगर ओवरऑल यहाँ पर आप चला के देखेंगे परफॉर्मेंस यहाँ पर बेटर लग रही है फिलहाल तो बेटर यहाँ पर है। अब इसके यूजेस एग्जैक्ट पता चलते हैं जब अपन इसको यूज करेंगे, लाइक फोटोज खींचेंगे या फिर इसको फुल चार्ज करके यूज करेंगे तो एक्चुअल रिव्यू उसका तभी पता चल पाएगा। तो उसको एक बार होने दे, मतलब अपडेट तो हो ही गया, अब एक बार मैं उसको यूज करके बैटरी परफॉर्मेंस या हीटिंग, अभी फिलहाल में हल्का सा हीट लग रहा है बिकॉज गर्मी भी ज्यादा है तो हो सकता है उस वजह से हो रहा है अपडेट होने के बाद, तो एक्चुअल में फिर जो रहता है वो नेक्स्ट डे ही पता चलता है। तो आपको इसको अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि अपडेट आने से कोई ना कोई सिक्योरिटी को वहां पर
सिक्योरिटी को सॉल्यूशन दिया जाता है, या सिक्योरिटी के लिए और लेवल को इंक्रीज किया जाता है, जो भी कुछ नए वायरसेस होते हैं ना उसको डिटेक्ट करने के नए मालवेयर आपके मोबाइल में डाले जाते हैं, तो आपको उसको जरूर अपडेट करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, कैमरे में यहाँ पर ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा, और कैमरा वैसा का वैसा यहाँ पर काम करता है वो दिख रहा है। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे नहीं अपडेट आपको सबसे मिले, और हो सके इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।